हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 5 इन द 12 मंथ्स। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे कंट्री देयर लिव्ड अ मदर हु हैड टू डॉटर्स। वन वाज हर ओन चाइल्ड, द अदर वाज अ स्टेप डॉटर। शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर। The only reason was that Miracle, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Helena. अब ये जो लेसन है द 12th मंथ, इसमें क्या है, एक मदर है जो बहुत दूर है, मतलब फार अवे कंट्री में एक मदर है, उसके टू डॉटर्स हैं। एक है उसकी खुद की बेटी और एक उसकी स्टेप डॉटर, मतलब सौतेली बेटी। और वो अपने खुद के बेटे, जो मदर है वो अपने सेल्फ डॉटर से बहुत प्यार करती है, और जो स्टेप डॉटर है उसको बहुत ज़्यादा हेट करती है, मतलब नफरत करती है। जो स्टेप डॉटर है उसका नाम क्या है, मोरेकल, और जो ओन डॉटर है उसका नाम क्या है, हेलेना, ठीक है। और जो स्टेप डॉटर थी मोरेकल, वो हेलेना से बहुत ज्यादा प्रीटियर थी। द जेंटल हार्टेड मोराकला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटिफुल शी वॉज, एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर। अब जो मोराकला है, मोराकला मतलब स्टेप डॉटर है, वो कैसी थी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड, जेंटल हार्टेड, दूसरों के दिलों का सोचकर करने वाली थी। इसके लिए उसको कभी, उसको मालूम ही नहीं था वो कितनी ब्यूटीफुल है, और इसके लिए उसको समझ में ही नहीं आता था कि उसकी जो मदर है, मम्मी है, वो उसको हमेशा से उसकी क्रॉस की जाती है, मतलब अगर ये कुछ करना चाहे तो उसकी मम्मी उसको मना क्यों कर दिए हर बार। मोराकुला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क, टाइडिंग अप, कुकिंग, वॉशिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड सेविंग। अभी मोराकुला जो थी उसको घर का पूरा काम करना पड़ता था, कॉटेज को ठीक करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, विविंग करना, शेविंग, सब काम उसे करना पड़ता था। शी लाइक टू वर्क एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट्स, व्हाइल हेलेना स्पेंड द टाइम अडोरिंग हरसेल्फ एंड लेजिंग अबाउट। और उसकी जो बहन थी, क्या था उसका नाम, हेलेना, वो कैसी थी, वो हमेशा खुद को देख के हमेशा खुद के बारे में अडोर करना, मतलब खुद की तारीफ करना, और हमेशा आलसीपना करने में वो आगे थी। इवन देन हेलेना एंड हर मदर स्कोल्ड एंड रेटेड एंड अब्यूज मोराकुला एवरी डे। दे एंड हर सो मच दैट वन डे दे डिसाइडेड टू थ्रो हर आउट इन द फ्रीजिंग कोल्ड टू गेट रिड ऑफ हर। अभी वो इतना, मोराकुला इतना काम करके भी उसकी मम्मी हमेशा उसको चिल्लाती रहती थी, और उसे हमेशा काम कुछ भी करने के बाद भी उसको टोकती रहती थी। और एक बार मोराकुला को उसके मम्मी ने और हेलेना ने क्या सोचा कि हम मोराकुला को अभी इस ठंडी के रात में बाहर छोड़ देंगे, और उसको ऐसे ही हम उससे छुटकारा पा लेंगे ताकि उसको कुछ तो हो जाए। वो मोराकुला and get some violets from the forest. I want to wear them and to smell them, said Helena. But my dear sister, it is impossible to find violets in the snow, said poor Moraakala. अब जो Helena है वो Moraakala से क्या कहती है कि तुम अभी के अभी forest जाओ और violets ढूंढ कर मेरे लिए आओ, मुझे वो पहनना है और उसका smell लेना है। तो यहाँ पे जो violet वर्ड है, इसका मतलब है वॉयलेट कलर के फ्लावर जो होता है वो। तो उसके, जब हेलेना उसे कहती है कि तुम्हें फॉरेस्ट जाना होगा, तो मोराकुला क्या कहती है कि बहुत ज़्यादा स्नो है और मुझे इम्पॉसिबल है कि मैं उस स्नो में वॉयलेट फ्लावर्स को ढूंढ पाऊँ। हाउ डे यू आर्ग्यू विथ व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग, off you go at once, and if you don't bring my wallet from the forest, I'll kill you, said Helena.
थ्रेटनिंगली। और अब क्या होता है, जब मोरा कला उसे कहती है कि अब इम्पॉसिबल है उसे वॉयलेट फ्लावर्स लाना स्नो की वजह से, तो हेलेना उसे फटाक से कैसे कह देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तुम आर्ग्यू करने की, अभी तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा मेरे लिए वॉयलेट फ्लावर्स लाने के लिए, और अगर तुम नहीं लेकर आई फ्लावर्स तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और एकदम ऐसे गुस्से से, मतलब थ्रेटनिंगली, मतलब गुस्से से उसे कहती है कि तुम्हें अभी जाना ही पड़ेगा। The stepmother caught hold of Moracalus, turned her out to the door and slammed it on after her. अब क्या होता है, जब ये सब बातें कौन सुन लेता है, मोराकेला की स्टेप मदर सुन लेती है, तो क्या करती है, फटाक से मोराकेला को पकड़ लेती है और उसको घर के बाहर भेज देती है, और उसके जैसे ही उसको बाहर ढकेल देती है वैसे ही दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। मोराकेला वेंट इन टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली, द स्नो लेय डीप एंड देयर वरंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन। मोराकेलस वंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रम्बलिंग विद कोल्ड। अभी मोराकेला तो निकल जाती है, वीपिंग मतलब क्या होता है, जो थोड़ा थोड़ा सा रो, और जो स्नो था वो भी बहुत डीप था, और उस स्नो में कहीं पर भी उसे ह्यूमन के फुटप्रिंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी मोराकेला वंडर अबाउट हाउ लॉन्ग टाइम, टॉर्चर्ड बाय द हंगर एंड ट्रम्बलिंग विद कोल्ड। अभी मोराकेला को बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है, वो पहले ही भूख के मारे टॉर्चर होती रहती है, और ट्रम्बलिंग विद कोल्ड मतलब वो ठंडी से भी परेशान हो गई है। एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस, शी वेंट टुवर्ड्स द ग्लो विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर एंड राउंड द फायर वर 12 स्टोन्स विद 12 मेन सिटिंग ऑन देम। Three of them had snow white beard, three were not so old and three were still younger. The three youngest were the handsomest of all them. They were not speaking but are sitting silent. The 12 men were the 12 months. Great January sit highest of all. His hairs and beards were white as snow and his hands he held a club. अभी क्या होता है यहाँ पे कि मोराकेला को अचानक से एक माउंटेन पे फायर का जलना, उसकी ब्राइटनेस एक दूर पे दिखाई देने लग जाती है, तो मोराकेला वहाँ पे पहुँच जाती है, तो वो क्या देखती है कि बहुत बड़ा फायर है और उसके आजू बाजू में 12 स्टोन्स है और उसपे 12 मेन बैठे हुए हैं, जिसमें से 3 जो है उनके कैसे बियर्ड है, स्नो वाइट बियर्ड है, 3 वर नॉट ओल्ड मतलब 3 जन बुढ़े नहीं थे, और 3 जो थे वो बहुत ज़्यादा यंग थे, और वो लोग यंग तो थे ही पर कैसे थे, हैंडसम भी थे उन सब में। वो एक दूसरे से 12 के 12 लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, चुपचाप अपनी जगह पे बैठे हुए थे, और वो 12 आदमी कौन थे, वो 12 मंथ्स थे। ग्रेट जनवरी सीट हायर ऑफ ऑल, जनवरी तो सबसे पहले आता है, इसके लिए वो सबसे पहले ग्रेट बैठे हुए थे, और उनका बाल और बियर्ड कैसा था, स्नो वाइट कलर का था, एंड हिज हैंड ही हेल्ड अ क्लब। और उनके हाथ में क्या था, एक क्लब मतलब क्या होता है, एक स्टिक होता है, हेवी स्टिक। मोराकेला वॉज फ्राइटेड, she stood still for a time in terror, but growing bolder she went up to them and said, please kind sirs let me warm my hands to your fire. ab moraakela to un 12 men ko dekh ke bahut dar jati hai, par wo ek bolder growing matlab bolder matlab ek apne mein himmat laake unko kya kehti hai, sirs प्लीज सर्स क्या मैं अपने हाथ आपके फायर में थोड़े गर्म कर सकती हूँ, मतलब वार्म मतलब थोड़े से उसको ठंडी से राहत मिलने के लिए गर्म कर सकती हूँ। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर, व्हाई हैव यू कम हियर माय डियर लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब जो ग्रेट जनवरी है उनमें से सबसे जो हेड, वो क्या बोलते हैं, तुम इतने लेट यहाँ पे क्यों आई हो और तुम्हें क्या चाहिए।
आई एम लुकिंग फॉर वॉयलेट्स, आंसर मोराकेला। मोराकेला उन्हें क्या कहती है कि मैं वॉयलेट्स ढूंढने आई। वॉयलेट्स मतलब क्या बच्चों? फ्लावर्स, पर्पल कलर के फ्लावर्स। दिस इज नो टाइम बी फॉर लुकिंग फॉर वॉयलेट्स, फॉर एवरीथिंग इट कवर्ड विद स्नो, आंसर ग्रेट जनवरी। अब जनवरी क्या कहते हैं कि अभी ये सही टाइम नहीं है कि तुम ढूंढ पाओ, क्योंकि ये तो ठंडी स्नो का मौसम है, तो यहाँ पे तुम्हें कहाँ पे भी वॉयलेट्स नहीं मिलेंगे। बच्चों तो क्या आप भी पिक्चर्स देख पा रहे हो, इसमें ये है मोराकेला, ठीक है, और ये जो है जो ऊपर सबसे ऊपर बैठे हुए हैं वो है जनवरी, ठीक है, और ये तीन वो ओल्डर पर्सन, ठीक है, ये तीन वो सबसे यंगर एंड हैंडसम, और ये दूसरे वाले जो नॉट सो यंगर। यस आई डू, बट माई सिस्टर हेलेना एंड माई स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग देम सम वॉयलेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, इफ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी, टेल मी फादर्स प्लीज टेल मी वेयर कैन आई फाइंड देम। अब मोराकेला उनसे क्या कहती है, मुझे मालूम है ये स्नो के इसमें वॉयलेट नहीं मिलेंगे, पर मेरी सिस्टर हेलेना और मेरी स्टेप मदर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि तुम वॉयलेट अगर नहीं लेकर आती हो फॉरेस्ट से तो वो मुझे मार देंगे। अब वो उनको क्या कहती है, फादर्स मतलब प्लीज हेल्प मी कि मैं इन फ्लावर्स को कहाँ पे ढूंढूं। ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ, इट वॉज मार्च, एंड गिव हिम द क्लब ही सेड, ब्रदर टेक द हाईएस्ट सीट। अभी जो जनवरी है वो सबसे ऊपर बैठे हुए थे ना, वो पिक फोटो जो मैंने दिखाया उसमें, वो उतर जाते हैं वहां से, और वो तीन यंगेस्ट थे उनमें से यंगर में से एक को जो मार्च है उसे वो क्लब दे देते हैं। क्लब मतलब क्या, वो जो स्टिक था वो दे देते हैं, और वो उनको कहते हैं ब्रदर टेक द सीट, और वो कहते हैं कि अभी तुम ये सीट ले लो। मार्च टुक द हायर सीट अपॉन द स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर, द फायर ब्लेज्ड अप, द स्नो बिगेन टू मेल्ट एंड ट्रीज बिगेन टू बर्ड एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विद ग्रास, इट वॉज स्प्रिंग टाइम। अभी जैसे ही मार्च क्या करता है, अपना जो स्टिक वो क्या करता है, वो फायर के ऊपर से घुमाता है, और उसके वजह से क्या हो जाता है, पूरा स्नो आजू बाजू का मेल्ट होने लग जाता है, और ट्रीज आने, ग्रास ग्रो होने लग जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, वो ऐसे लगता है पूरा देख के जैसे स्प्रिंग टाइम आ गया हो। द वॉयलेट बिगिन टू ब्लूम अमॉन्ग देयर लिटिल लीव्स एंड बिफोर मोराकेला हैड टाइम टू थिंक सो मेनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप दैट दे लुक्ड लाइक अ ब्लू क्लोथ स्प्रेड अराउंड द ग्राउंड। और स्प्रिंग टाइम होती है कैसे जाते हैं, जो वॉयलेट फ्लावर्स है वो ब्लूम होने चालू हो जाते हैं, और जब तक मोराकेला वो सब समझ के सोच सके तब तक उसके आजू बाजू के पूरे ग्राउंड में वॉयलेट कलर के फ्लावर्स हो जाते हैं, जैसे कि वो कोई ब्लू कलर का किसी ने कपड़ा डाल दिया हो। नाउ पिक देम क्विकली मोराकेला कमांडेड मार्च। अभी मार्च उसे फटक से आदेश देते कि जल्दी जल्दी तुम वो फ्लावर्स को पिक कर लो। मोराकेला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड अ बिग बंच एंड देन थैंक द मंच विथ all her hearts and scampered merrily home। और मोराकेला उन सबको एकदम खुशी से थैंक यू बोलती है, और वो जब तक उसका एक पूरा बंच प्रिपेयर नहीं हो जाता फ्लावर्स का तब तक उसको कलेक्ट करती है, सबको थैंक यू बोलती है, और खुशी खुशी अपने घर निकल जाती है। हेलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मोराकेला ब्रिंगिंग द वॉयलेट्स, दे ओपन द डोर टू हर एंड दे सेंट द वॉयलेट्स फील्ड एट द कॉटेज। अब क्या होता है, मोराकेला और उसकी स्टेप मदर वो देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि अरे मोराकेला ने ये सीजन में ये वॉलेट फ्लावर्स कहाँ से लेके आए, और उसे कॉलेज के अंदर ले लेते हैं। वेयर डिड यू गेट देम, आस्क्ड हेलेना स्कली बहुत गुस्से से, उसको ऐसे बहुत रूडली पूछती है कि तुमने कहाँ से मिले तुम्हें फूल। दे आर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन द फॉरेस्ट एट द हाई माउंटेन, वो उसे कहती है कि जो बड़े माउंटेन है वहाँ पे वो बुशेस के अराउंड ग्रो हो रही है।
foreigners catch all the flowers and did not even give a single one to her sister. हेलेना वो पूरे फ्लावर्स ग्रैब खींच के ले लेती है और मोराकला को एक भी फ्लावर नहीं देती है. द नेक्स्ट डे शी कॉल्ड हर सिस्टर एंड सेड गो मोराकला एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट. अलास डियर सिस्टर, वेयर कुड आई फाइंड एनी स्ट्रॉबेरी इन द हार्ड विंटर, सेड मोराकला. अब सेकेंड डे फिर से उसकी बहन जो हेलेना है वो क्या करती है, फिर से मोराकला को बुला के हुक्म देती है कि जाओ अभी के अभी फॉरेस्ट से मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ. तो मोराकला क्या कहती है, अरे दीदी सिस्टर मैं कहाँ से लेकर आऊँ, विंटर का टाइम चालू है और इतने हार्ड विंटर में मैं स्ट्रॉबेरीज कैसे लेकर आऊँ. हाउ डे यू आर्ग्यू, गो एट वंस एंड गेट द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू. वो फिर से वैसे ही कहती है, देखो कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आर्ग्यू करने की, अभी के अभी जाके स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी. द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोराकला एंड पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर. उसकी स्टेप मदर फिर से वैसे ही करती है, मोराकला को घर से बाहर निकाल देती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है. मोराकला वेंट टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली. द स्नो वॉज लाइंग डीप एंड देर वॉजंट अ ह्यूमन footprint to be seen anywhere. She wandered about for a long time, tortured by hunger and trembled with cold. At last she went, saw the light she had seen the other day. Overjoyed, she went towards it. She came to greet great fire with the 12 months sitting around it. Please, kind sirs, let me warm my hands at the fire. देखो अभी फिर से वही होता है कि मोराकला फिर से रोने लग जाती है और वैसे ही ढूंढते ढूंढते उसे तो कोई फुटप्रिंट भी नहीं मिलता है इंसानों का कि वो किसी रास्ते पे जा पाए. वो वैसे ही बिचारी उसको वो भूख से थकी हुई और कोल्ड की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी उसे, और उसे फिर से वैसे ही फायर बहुत ज़्यादा दूर वो माउंटेन पे फायर दिखने लग जाता है और वो खुश हो जाती है और वो वहाँ पे जाके वो 12 मंथ्स को कहती है कि प्लीज़ सर लेट मी वॉर्म माई हैंड्स. वो फिर से क्या कहती है कि मुझे अपने हाथ थोड़े गर्म कर लेने दो आपके फायर में. ग्रेट जनरल नॉडेड एंड आस्क्ड हर, व्हाई हैव यू केम अगेन एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर. अब वो फिर से ग्रेट जनरल उसे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम अपने फायर में हाथ गर्म थोड़े वार्म कर लो. और वो फिर से उसे पूछते तुम आज फिर से यहाँ पे क्यों आई हो और तुम्हें आज तुम क्या ढूंढ रही हो. I am looking for strawberries. My sister Helena and my stepmother bidded me bring some strawberries and if I don't then they will kill me. Tell me fathers, tell me please where can I find them. अब वो क्या कहती है कि आज भी मेरे स्टेप मदर ने और हेलेना मेरी सिस्टर ने मुझे गुस्से से स्ट्रॉबेरी लाने कहा है और कहा है कि अगर मैं स्ट्रॉबेरीज ना लेकर आऊँ तो मुझे मार देंगे, तो आप लोग प्लीज मुझे बताओगे कि वो स्ट्रॉबेरीज मुझे कहाँ मिलेंगे. ग्रेट जनरल अक्रोस ही वेंट ओवर द मंथ सिटिंग अपोजिट टू हिम. इट वॉज जून. आई हैंडेड द क्लब टू हिम सेइंग ब्रदर टेक द हायर सीट. और जनवरी और रोज मतलब आजू बाजू देखते हैं और जब वो मंथ ऑफ जून को देखते हैं अपने बाजू में तो उठ जाते हैं वहां से और क्लब उसे मतलब वो स्टिक उसे देकर कहते हैं कि ब्रदर तुम अभी वो जगह ले लो, हायर सीट पे तुम बैठना. जून टुक द हायर सीट अपॉन द स्टोन एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर. द फायर शूट अप एंड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन द माउंटेन इन द मोमेंट. ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन. Trees were covered with leaves. The birds began to sing, and the forest was filled with all its kind of flowers. It was summer. The ground under the bushes was covered with white stales. The cherry blooms and turns into strawberry. Every minute they ripened at once, and before Moraquella had time to think, there were so many of them. It looks like a red carpet had been spread on the ground. अभी जैसे आपको याद है वो वॉयलेट फ्लावर्स का हुआ था,
वैसे ही क्या होता है जब जून उस अपने क्लब को फायर के ऊपर करता है, वैसे ही पूरा अराउंड क्लाइमेट उसका चेंज हो जाता है। और क्लाइमेट कैसा हो जाता है, समर की तरह हो जाता है। और उसके पूरे जो स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स होते हैं वैसे होने चालू, वो प्लांट्स आने चालू हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके पूरे स्ट्रॉबेरीज राइप होने चालू हो जाते हैं। और पूरे स्ट्रॉबेरीज राइप होने के बाद जो वहाँ पे की जगह रहती है वो ऐसा लगता है जैसे पूरा रेड कारपेट किसी ने डाल दिया हो। पिक देम एट वंस मोराकेला कमांड जून। और जून क्या कहते हैं मोराकेला को, जल्दी जल्दी से वो स्ट्रॉबेरीज को उठा लो। मोराकेला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रन फुल, देन शी थैंक द मंथ विद ऑल हर हार्ट एंड स्कैम्पिड मेरिली होम। मोराकेला क्या करती है, पूरा अपना एप्रन भरने तक स्ट्रॉबेरीज जमा पूरा इकट्ठे कर लेती है और वो खुशी से फिर से अपने घर जाती है। Helena and the stepmother wondered when they saw Moracala bringing the strawberries. Her apron was full of them. अभी Moracala जब अपना पूरा apron भर के strawberries ले जाती है, ये देख के उसकी stepmother और stepsister Helena वो दोनों shock हो जाते हैं। Where did you pick them? asked Helena scullingly. अभी फिर से उसको तुम गुस्से से Helena पूछती, ये तुम्हें कहाँ से मिले? There are plants. of them growing in the forest on the high mountain. तुम्हारा केला बहुत अच्छे से कहती है कि वो जो बड़ा सा माउंटेन है उसके ऊपर तो ये सब ग्रो हो रहा है। Helena took all the strawberries and ate them all with her mother. They didn't leave even a single for Moracala. वो Helena और उसकी स्टेप मदर क्या करते हैं, पूरा स्ट्रॉबेरीज खा जाते हैं और एक भी Moracala के लिए नहीं छोड़ते हैं। On the third day, Helena ordered Moracala go into the forest and get some ripe apple. The stepmother caught hold of Moracala and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her. अब यहाँ पे देखो, next day फिर से Helena उसकी जो sister है वो उसको आज भी order देती है कि तुम्हें क्या लाना है forest से, रेड एप्पल्स। और बिना Moracala का कुछ सुनने उसकी मम्मी क्या कर देती है, स्टेप मदर उसको घर से बाहर पुश कर देती है, ढकेल देती है और उस डोर जोर से बंद कर देती है। Moracala went to forest again weeping bitterly, but she didn't wonder about this time. She ran straight to the top of the mountain where the big fire was burning and 12 months was sitting around the fire. अब इस बार भी उसको घर के बाहर निकाल देते हैं, तो Moracala इस बार थोड़ा रोती है, बाद में किसी को ना ढूंढते हुए, किसी के फुटप्रिंट्स ना ढूंढते हुए क्या करती है, भागते भागते सीधा वो बड़े से माउंटेन पे चली जाती है जहाँ पे 12 मंथ्स बैठे हुए रहते हैं फायर के अराउंड। प्लीज काइंड सर्स हेल्प मी, Moracala क्या कहती है वहाँ पे जाके, प्लीज सर्स हेल्प करो मुझे। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे। अब ग्रेट जनवरी उसको देख के कहते हैं, अच्छा ठीक है, पर आज तुम क्या ढूंढ रही हो? आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स, इफ आई डोंट ड्रिंक देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी। टेल मी फादर, टेल मी प्लीज वेयर आई कुड फाइंड देम। और अब वो क्या कहती है कि ग्रेट जनवरी से पूछते हैं ना कि तुम आज क्यों आई हो, तो वो कहती है कि मुझे आज क्या चाहिए, रेड एप्पल चाहिए, तो प्लीज आप, मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने मुझे कहा है कि लेकर आओ वरना वो मुझे मार देंगे, तो आप प्लीज मुझे जल्दी से बता दो कि मुझे रेड एप्पल्स कहाँ पे मिलेंगे, ऐसे Moracala उन्हें कहती है। ग्रेट जनवरी रोज अप, ही वेंट ओवर टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट मंथ, इट वॉज सेप्टेम्बर। ही हैंडेड द क्लब टू हिम एंड सेड, ब्रदर टेक द हायेस्ट सीट। अब जनवरी क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं इस बार, सितंबर के पास जाते हैं, उसे क्लब उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि तुम अभी उस बड़े से सीट पर बैठ जाओ। मंथ सितंबर टुक द हायर सीट अपॉन द स्टोन एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर। द फायर बिगेन टू बर्न विद अ रेड फ्लेम एंड स्नो बिगेन टू मेल्ट, बट देयर वॉज अ कोल्ड विंड दैट सेंट द faded leaves down to the ground. It was autumn. Moracala saw just as apple tree with red apples hung high among the branches.
अभी मंथ ऑफ सितंबर क्या करते हैं, अब वो बड़े से सीट पर बैठ जाते हैं और जो अपना क्लब है वो फायर के ऊपर घुमाते हैं, और जैसे ही वो अपना वो स्टिक फायर के ऊपर घुमाते हैं वैसे ही वो पूरा जो आग का फ्लेम है वो कैसे हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है और आसपास का जितना स्नो है वो पूरा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, जो लीव्स थे प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर जो लीव्स थे वो भी पूरे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये कौन सा मंथ है, सितंबर का मंथ, मतलब ऑटम सीजन आ गया था अभी। मोराकेला सो जस्ट वन एप्पल विद रेड एप्पल्स। अभी मोराकेला ने क्या देखा कि रेड एप्पल्स हाई ट्री पे बहुत सारे लगे हुए हैं। शेक द ट्री एट वंस मोराकेला कमांडेड सितंबर। अभी सितंबर ने मोराकेला को क्या कमांड किया कि तुम पेड़ को जोर से हिलाओ। राइट ग्लैडली मोराकेला शूक द ट्री एंड फर्स्ट एप्पल फेल डाउन एंड द अनदर। अब जब वो जोर से ट्री को हिलाती है वैसे फर्स्ट एप्पल गिरता है फिर दूसरा एप्पल। नाउ मोराकेला दैट्स इनफ, रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ्स। मोराकेला ओबेड एट वंस, शी पिक्ड अप द एप्पल थैंक द मंथ्स विद ऑल हर हार्ट एंड रैन मेरिली होम। अब क्या होता है कि वो जब वो एप्पल्स उठाती है वैसे सब मंथ्स बोलते हैं कि मोराकेला अब तुम जल्दी से घर भागो, तो मोराकेला उन्हें सब उनके ऑर्डर ओबे करती है, ओबे मतलब उनके ऑर्डर मानती है और एप्पल पिक करके जल्दी से घर थैंक यू उनको बोल के घर चली जाती है। हॉलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मोराकेला ब्रिंगिंग टू एप्पल्स। अब वो मोराकेला को देखते हैं जब टू एप्पल्स लेकर आते हुए, तब हॉलेना और उसकी स्टेप मदर फिर से शॉक हो जाते हैं। Where did you get them? asks Helena. अब ये तुम्हें कहाँ से मिले, Helena उसे पूछती है। I found them in the forest on the high mountain. और ये मुझे कहाँ पे मिले, बोलती है वो कि मुझे वो फॉरेस्ट में बड़े से माउंटेन पे। And why don't you bring more? और did you eat them on the way home? said Helena harshly. अब Helena उसे क्या कहती है कि तुमने सिर्फ दो ही एप्पल क्यों लाए, फिर ज्यादा क्यों नहीं लाए, क्या तुमने रास्ते में खा लिए, सब गुस्से से बोलती है। प्लस सिस्टर डियर आई हैवंट इवन टेस्टेड देम, आई शुक द ट्री ट्वाइस एंड टू एप्पल फेल डाउन एंड दे वुडेंट लेट मी शेक द ट्री अगेन, दे शाउटेड मी टू गो स्ट्रेट होम प्रोटेस्टिंग मोराकेला। अब मोराकेला क्या कहती है कि उन्होंने मुझे सिर्फ दो ही बार ट्री को हिलाने दिया और फिर उन्होंने फिर से मुझे शेक करने दिया ही नहीं, और उन्होंने मुझे चिल्ला के बोला कि तुम सभी अब सीधा घर पे जाना। मे यू बी स्टक टू डेथ बाय लाइटनिंग सेड द विक्ट हेलेना एंड बिगन टू ईट द एप्पल। इट टेस्टेड सो डिलीशियस दैट शी टोल्ड हर मदर शी हैड नेवर टेस्टेड एनी ऑफ सच सो नाइस इन ऑल हर लाइफ। द स्टेप मदर लाइक इट टू, व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे वांटेड सम मोर। अब उसकी सिस्टर उसे क्या कहती है कि काश तुम लाइटनिंग में मर जाती हो, ऐसे हेलेना उसे और हेलेना उसे कहती है और अपना एप्पल खाने लग जाती है। और वो क्या कहती है कि ऐसा टेस्टी और डिलीशियस एप्पल उसने अभी तक अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया है, और उसकी स्टेप मदर भी वही कहती है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। और वो जब अपना एप्पल फिनिश कर देते हैं तो उनको और खाने का मन होता है। मदर Give me my fur coat. Let's go to the forest ourselves and get the apple that rugged little Fritz would eat them all upon her on her way home. We'll find the place all right and I'll shake them all down however they shout at me. अब हेलेना क्या कहती है, मम्मी जल्दी से मेरा कोट दे दो, मैं खुद जाके लेकर आऊंगी, क्या भरोसा है मोराकेला का, वो रास्ते में आते हुए खाती भी होगी, तो अगर मुझे वहां पे कोई चिल्ला है कि तुम इतने बारी शेक करो ज्यादा नहीं, तब मैं उनकी सुनूंगी नहीं। और मदर एग्रीड रेडीली, दे पिप्ड रैप देमसेल्फ इन अ फ्यू कोट एंड शॉल्स एंड ऑफ दे वेंट टू द फॉरेस्ट। और मम्मी उसके बोलने में हाँ कह कर क्या करती है, अपने आप को कोट पहन लेती है और शॉल लपेट कर फॉरेस्ट के रास्ते में निकल जाती है। द स्नो ले डीप एंड दे वंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट एट लास्ट दे सॉ
the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting. They stepped up to the fire and stretched out their hands on warms them without asking permission or speaking one polite word. और अब यहाँ पे क्या होता है, वो लोग जैसे वहाँ पे स्नो में बहुत डीप स्नो होता है वहाँ पे जाते रहते हैं, तो उन्हें थोड़ी दूर जाने के बाद क्या दिखता है, माउंटेन पे फायर दिखता है चलते हुए. और वो वहाँ पे जाते हैं जब, तो क्या देखते हैं, बिग फायर बर्निंग विद 12 मंथ्स सिटिंग अराउंड. वहाँ पे वो देखते हैं कि बड़ा सा फायर है और 12 मंथ्स उसके आजू बाजू में बैठे हैं. और वो क्या करते हैं, उनकी परमिशन लिए बिना सीधा जाके अपने हाथ वहाँ पे वार्म करना चालू हो जाते हैं. Why have you come here and what are you looking for? Asked the great January crossly. अब जनवरी उनसे क्या पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए. Why do you want to know, you old fool? अब replied Helena angrily. अब Helena गुस्से से क्या कहती है great January को कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है. Old fool मतलब बुढ़ा हो गई थी उन्हें. No business of yours, said her mother. और वो तुम्हारा कुछ काम भी नहीं है उसमें, ऐसी उसकी मम्मी कहती है. Great January forwarded and swung the club over their heads. The sky grew darker in the moment. The fire burnt low. The snow began to fall thick and an ice wind began to blow through the forest. Helena and her mother couldn't see one step in front of them. और जनवरी को सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है. तो वो क्या करते हैं, अपना जो क्लब होता है वो जो स्टिक है उनके हाथ में, वो क्या करते हैं फायर के ऊपर लेते हैं. और वो फायर वैसे ही जैसे लेते हैं वो फायर लो होना स्टार्ट हो जाता है और पूरा स्काई डार्क होना चालू हो जाता है. और क्या होता है, बहुत ज़्यादा विंड ब्लो होनी चालू हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्नो गिरना चालू हो जाता है. इतना अंधेरा हो जाता है कि हेलेना और उसकी मम्मा को एक स्टेप आगे मतलब उनके सामने का भी कुछ भी दिखना बंद हो जाता है. दे ट्राइड टू फाइंड द वे आउट बट द स्नो फेल इन अ ह्यूज मास एंड स्नो एंड सून दे वर लॉस्ट इन इट. और वो लोग बहुत ट्राई करते हैं खुद को उसमें से निकालने को, पर वो स्नो इतना भरा हुआ रहता है कि थोड़ी देर बाद उसमें गुम हो जाते हैं. एट होम मोराकेला वेटेड एंड गेट हेलेना एंड हर मदर डिड नॉट कम बैक. मोराकेला उन दोनों की बहुत वेट करती है घर पे, पर वो दोनों बहुत टाइम तक आते ही नहीं है. When she went to search them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest. At last she returned home sadly. और जैसे ही वो उन्हें ढूंढने निकलती है माउंटेन पे, वो अपनी उसे अपनी मम्मी भी नहीं मिलती है, उसकी सिस्टर भी नहीं, और वे जो 12 मंथ्स थे वो भी उसे उस फॉरेस्ट में नहीं मिलते हैं. और वो दुखी होके सैड अपने घर आ जाती है. सो गुड मोराकेला इनहार्टेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट. शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड एंड दे लिव बोथ लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर. और मोराकेला इनहार्टेड अ कॉटेज एंड अभी मोराकेला अच्छे से अभी बड़ी हो जाती है, उसका घर भी बहुत अच्छा हो जाता है. और वो क्या करती है, काइंड हस्बैंड के साथ शादी कर लेती है और वो उसके बाद बहुत खुश रहती है. बच्चों तो ये हमारा पूरा लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है. तो अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और इस लेसन की मीनिंग्स देने वाली हूँ. तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो.